गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे इज फ्राइडे, जी हाँ, और अभी बज रहे हैं कुछ 12:30, 12:45। अभी उठाऊ थोड़ी देर पहले सो के, ब्रश ब्रूश किया है, 2:15 पे मेरा वीडियो आया, तो अभी सोचा जा रहा है कि ब्रॉडकास्ट मैसेज क्या बना के डाला जाएगा और कहाँ कहाँ पोस्ट किया जाएगा, फेसबुक इत्यादि इत्यादि इत्यादि। तो दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, सोचते हैं। इन द मीनवाइल, हेलो हाय वेलकम, मैं हूँ आपका बंदा घूम केतु, मेरा नाम है सुशांक यू पॉइंट नेक्स्ट डोर, एंड स्वागत है आपका एक और लाइफस्टाइल ब्लॉग, जो कि लाइफस्टाइल अब बची नहीं है, उसे ज़बरदस्ती बचाया जा रहा है, चलाया जा रहा है, कोशिश की जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन नाम की एक चीज़ है, उसने मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे हर तरीके से, तो यस, देयर इज लॉट टू बी डिस्कस, देयर इज लॉट विच इज नीड टू बी अंडरस्टूड एज वेल। जी हाँ, बच्चा राम बच्चा रो रहा है, ओके इस सारे बच्चों को सीटी को मेरे व्लॉग में ही चिल्लाना रहता है, बट अब तो आदत पड़ चुकी होगी आप, एक काम करते हैं, रुक जाओ सारा मैसेज वैसेज लिख लुख लेते हैं, ब्रॉडकास्ट वॉडकास्ट कॉपी वॉपी कर लेते हैं, आप इसके बाद मिलते हैं, थोड़ा सा कुछ कर लें, खा पी लें, फिर थोड़ा अगर कुछ करेंगे तो आपको दिखाएंगे, नहीं तो कल दिखाएंगे, ठीक है। तो जनाब आज है सैटरडे का दिन, फ्राइडे यार वो फर्स्ट सीन के बाद ना ऐसे ही बीत गया, मतलब 2-4 मैंने मूवियां देख लिया और उसके बाद ब्लॉग जो रिलीज हुआ था उसके बारे में लोगों ने पूछताछ मुझसे शुरू कर दी थी, तो फ्राइडे ऐसे ही चले गया था। हैप्पी सैटरडे, हाँ वो ब्लैक टी शर्ट देख के आपको समझ में आ गया होगा, आज सैटरडे मना रहे हैं हम। मैं ऐसे दिनों के हिसाब से कपड़ों के कलर रख लेता हूँ, मेरे को बड़ा मजा आता है, बहुत जेन्युइनली मजा आता है। और क्या बात करनी थी मुझे, मैं कुछ सोच के बैठा था यार आप लोगों से बात करने के लिए। ओ हाँ यार, देखो एक ना दिक्कत बड़ी मजेदार सी मेरे को समझ में आ रही है यार, सिंस आई लिव अलोन, मैं ये 1 BHK के घर में अकेले रहता हूँ, अभिषेक आता होता था तो मैं दुकेला होता, अभी मैं अकेला हूं, उसके बारे में भी मेरे को कुछ उड़ती उड़ती खबर पता चली, कल तक कंफर्म होगा तो कल संडे वाले जो बिट में मैं आपको बताऊंगा कि अभिषेक के बारे में क्या उड़ती उड़ती खबर थोड़ी सी कंफर्म हुई है। सो अपेरेंटली एक चीज जो मुझे बहुत समझ में आ रही है इज लाइक स्टेइंग कंप्लीटली अलोन इज अ वेरी बिगर टास्क, एंड इन दिस सिचुएशन लाइक कोविड आई गेस आपके आजू बाजू वालों को आपसे बातचीत करते रहना चाहिए। मैं नहीं बोल रहा हूँ एक दूसरे के घर में जाके बैठ जाओ, जाहिर सी बात है सोशल डिस्टेंसिंग है, मैं तो ऑफिस भी जाता हूँ, एंड हाँ बाय द वे कल फ्राइडे को ना मैं बाहर निकला था, तो पहले ये कहानी सुना लूँ उसके बाद वो फ्राइडे वाली बात बताता हूँ। सो अगर आपके अड़ोस पड़ोस में लोग रहते हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि घरों में बैठ जाओ यार, अगर खिड़की से एक दूसरे को देख रहे हो हालचाल लेते रहो, हमारे मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरा, हमारे जैसे या हमारी एज के काफी सारे लोग में जो अकेले रह रहे हैं, घर से दूर रह रहे हैं, आजकल मैंने एक बहुत बड़ा पैटर्न देखा है ऑफ डिप्रेशन, इफ नॉट डिप्रेशन एंजाइटी, इफ नॉट एंजाइटी तो वो थोड़े से रेस्टलेस हो चुके रहते हैं। सो अगर आपके आजू बाजू कोई लड़का बैचलर लड़की बैचलर रह रही है, कोई अंकल बैचलर रह रहे हैं यार, कोई अंकल आंटी जो भी, कोई भी बैचलर रह सकता है ना या फिर सिंगल रह सकता है, मान लो कोई ओल्ड एज है यार एंड उसके बेटे बच्चे बाहर हैं एंड ही इज जस्ट स्टेइंग अलोन, सो एक सिंपल सा पसीना पोंछ ले पहले, एक तो यार तुम लोगों की रिकॉर्ड करने के लिए ना ये पंगा बंद करना पड़ता है, डोंट वरी माइक आएगा जल्दी आएगा जल्दी आएगा, सो उनसे बात करें, उनके हालचाल ले ले, कभी विंक कर दें, कभी स्माइल पास कर दें छोटी सी, और अंकल कैसे चल रहा है, भैया कैसे हो, ये पूछ लोगे ना, दूर से पूछ लो, मैं नहीं कह रहा हूँ पास जाके पूछो या फिर उनको चाय पे बुला लो घर पे,
ये पूछ लोगे सामने वाले को ना, ये रहेगा कि एटलीस्ट मेरे से बात करने वाला कोई है। और ये छोटी सी चीज ना उस इंसान के लिए बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देगी। तो अगर आपके जान पहचान में ऐसे कोई लोग हैं और आपसे बन पड़ रहा है तो ये छोटा सा काम कर दीजिए, ठीक है। अब फ्राइडे की बाहर निकलने की कहानी 5 मिनट बाद बताता हूँ। कपड़े धोने में लगाए, देख के आता हूँ वो पानी हो गया कि नहीं, ठीक है। वेलकम बैक। जी हाँ, मैं नहा धो चुका हूँ। और नहाने धोने के बाद मैंने कहा यार पानी देखने गया था, वो पानी वानी हो गया था। हमने कहा नहा लेते, लाइट सही है कि थोड़ी कम ज्यादा लग रही है? रुक जाए, एक लाइट और जला के आते हैं। क्या कहते हो, अब लाइट सही मिल रही है? हाँ ठीक है, ऐसा जीवन में थोड़ी बेटर लाइट दिख रही है। सो यार फ्राइडे को जब मैं बाहर गया था तो नॉर्मल पब्लिक, मतलब ऐसा मैं 8 बजे के आसपास गया था, 8 बजे से पहले गया था। आई वॉज हैविंग सम वर्क, मुझे कुछ दवाइयां लेनी थी, तो 8 बजे से पहले गया था। बिलीव मी, मेरे को ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि लॉकडाउन जैसा। हाँ अपेरेंटली आधे से ज्यादा चीजें बंद थी। वो स्ट्रीट फूड वाली सारी जगह जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, धाबेली हो गया, स्ट्रीट साइड डोसा हो गया, फ्राइड राइस हो गया, मोमोज हो गए, मोमोज, ये सारी चीजें बंद थी। बट ऐसा लोग कुछ ज्यादा कम नहीं दिख रहे थे, नॉर्मल से बहुत ज्यादा कम दिख रहे थे, बट थे लोग। सो देखते हैं, आज भी मैं अभी तो शाम है, रात में मैं निकलूंगा, हमको कहीं भकोसने जाना है। तो भकोसने जाने के लिए हम भकोसने इन द सेंस, अरे डिनर यार, डिनर। तुम लोग यार भावनाएं नहीं समझते हो। हाँ तो डिनर करने जाना है, जाएंगे और फिर बात आएंगे, ठीक है। अब हमको पता नहीं कि हम नेक्स्ट व्लॉग कब करेंगे। वैसे फ्राइडे को 3 पिक्चर देखी थी हमने, ऐसा मतलब कोई बहुत तगड़ी तापड़ तोड़ नहीं देखी होगी, आप सब लोगों ने देखी होगी। मैं एक्चुअली में क्या है ना, एक ही पिक्चरों को जो मुझे पसंद है वो कई कई बार देखता हूँ। जैसे मैंने गोस्ट प्रोटोकॉल वापस से देख ली, फिर आपका ये क्या कहते हैं वो कौन सी मूवी थी, 2-3 एक हिंदी मूवी थी, विवाह देख रहा था मैं, पता है विवाह। हाँ मुझे हक है, दैट्स अ वियर्ड कॉम्बिनेशन, बट मुझे वो मूवी अच्छी लगती है। द काइंड ऑफ स्टैचर जिस तरह से शाहिद कपूर जी को दिखाया गया, मुझे काफी गजब का उसमें लगता है कि आए गजब लड़का एकदम अडिग है। तो वही अडिग के चक्कर में मैं वो मूवी देख रहा था। तो ऐसे मैंने 3 मूवी देख डाली कल, आज मैं 2 मूवी अभी तक देख चुका हूं। जी हाँ, और भगोसने जाने से पहले मेरे हिसाब से मैं 2 मूवी और देख लूंगा, मिनिमम 3 भी देख सकता हूँ, कोई भरोसा नहीं है मेरा, और क्या पता 1 देखूं, क्या पता ना ही देखूं। सो गाइस अभी नेक्स्ट फ्रेम में मिलते हैं, नेक्स्ट फ्रेम क्या होगा हमको पता नहीं। चलो टाटा बाय बाय, सी यू। एक ही व्लॉग में दूसरी बार मैं गुड मॉर्निंग करने जा रहा हूँ। गुड मॉर्निंग, इट इज दिस संडे एंड आज एक काम है मेरे पास। अभिषेक मलिक मेरे व्लॉग में तो कभी नहीं आ पाया, मगर उनका सामान मेरे व्लॉग में दूसरी बार आने जा रहा है। जी हाँ, आज उनका जो कुरियर वाला है वो आएगा और सामान लेके जाएगा। तो एक तो ये काम हो गया आज, और लॉकडाउन की जो हमने बातें की थी वो बातें चालू रखेंगे आज भी। जरा ऐसे चुटकी बजाते हैं और तुरंत नहा धो के आते हैं, ठीक है। तो चुटकी बजाओ ये। तो जनाब वापस आ गए नहा नू के, और मज़ा आ गया। गर्मी वैसे जीवन में बहुत ज़्यादा हो रही है, यहाँ पे औकात से ज़्यादा गर्मी हो रही है। सो नहाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और मुझे समझ में नहीं आता कि मैं घर से कहीं बाहर जा नहीं रहा हूँ, कहीं आ नहीं रहा हूँ। एक चक्कर मारने गया था मैं कल वापस से, सैटरडे को गया था, रात में पुलिस वाले ने मेरे को रोका, पूछा कहाँ भैया कहाँ जा रहे हो, मतलब ऐसी भाषा में तो नहीं पूछा, ये तो मेरी भाषा है, ये तो नहीं बोलते वे कहेंगे, हम लाइक खाना खाने जा रहा हूँ यार। तो देन ही इज लाइक कि क्यों बाहर, तो कहीं डाइनिंग। मैंने कहा अरे नहीं दोस्त के यहाँ खाने जा रहा हूँ, बैचलर हूँ भाई, अकेले रहता हूँ, खाना खाने जा, इज लाइक परमिशन है। मैंने कहा नहीं, ऑफिस की परमिशन है, खाना खाने की परमिशन नहीं है। ऑफिस वाली परमिशन चाहिए तो आपको दिखा दूँ। तो ऑफिस वाली परमिशन दिखाई गई नहीं, वॉज क्वाइट ऐसे चिल्ड आउट टाइप का पुलिस वाला, इज लाइक हाँ जाओ आप जाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर। एक 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 दो सेकेंड के लिए उसने मेरे को जज किया ऐसे, एंड देन ही वॉज लाइक गो, आई लाइक ओके। तो बस यही सब चल रहा है यार, मैं मतलब समझ नहीं आ रहा कि
मैं रो या हंसू करूं मैं क्या करूं। जी हाँ, चलो अभी थोड़ा थकते वाकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया ही था, फ्राइडे को मैंने 3 पिक्चर देखी, उसी तरह कल मैंने 4 पिक्चरें देखी। बात करेंगे उसके बारे में बड़े अच्छे से। 2 मिनट दीजिए, तनिक बाल बाल कर लें, फिर बात करते हैं, ठीक है? पब्लिक एंड जनता, जी हाँ, बैक विद बैंग। वैसे मैं एक फ्रेम पहले आपको दिख रहा था, तो ऐसा कुछ बैक विद बैंग नहीं होगा, मगर बात यह है कि आपसे मैं इसके पहले जब क्लिप बना रहा था तो मैं सुबह मिला था, सुबह क्या दोपहर के टाइम पे मिला था, और अब जब मैं मिल रहा हूं तो वो है रात के 8:30। जी हाँ, बहुत सारे काम, बहुत सारी चीजें करने के बाद, इधर उधर टहलने के बाद, मुंह मारने के बाद, घर में झिंगा लाला हूं मचाने के बाद, हमारा कुरियर वाला नहीं आया। वो अभिषेक का कुरियर वाला आने वाला था ना, बताया था एक फ्रेम पहले। जी हाँ, तो मेरे को लगता है ना, वो कुरियर वाले ने ना मेरे साथ क्या किया, जब मैं बचपन में थोड़ा ढंग के ग्रेड में था और हमारे यहाँ के लौंडे थोड़ा जवान हो गए थे, बड़ी बड़ी गालियां तो दे नहीं पाते थे हम, छोटी छोटी गालियों में ही खुश जाते थे, तो ग्रुप में एक साथ खड़े होकर जब किसी लड़के का चूतिया बना लेते थे हम लोग, तो गाते थे साथ में, चूतिया बनाया बड़ा मजा आया, चूतिया बनाया बड़ा मजा आया। तो कुरियर कंपनी का मैं नाम नहीं लूंगा, मगर उसने मेरे साथ ऐसा ही किया। अब आगे आने वाले 5 दिन तक ना मैं ये गाना उसके साथ गाऊंगा, क्योंकि मैं ऑफिस चला जाता हूं। तो आ बेटे तू, आ अब तू सामान लेकर जा, मतलब जैसे कि अभिषेक बेचारा बोल रहा होगा ये मेरा भला कर रहा है, मेरे से दुश्मन ही निकाल रहा है, नहीं मैं कुछ कर ही नहीं रहा, जो कर रहा है कुरियर वाला कर रहा है, ठीक है? तो वैसे तो मतलब है का यार, ये मेरे ऊपर वाले कौन से हड़प्पा की खुदाई कर रहे हैं, क्या है, जब देखो तब कुछ ना कुछ, किसी भी समय कोई भी आवाज आने लगती, ढा ढूस डी टा टूम टूम टी टा टो, क्या है? मेरा व्लॉग देखते हो, शांत रहो। ओके, या काम डाउन, कंट्रोल शशांक, कंट्रोल, ठीक है। तो जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन में ना मैं कहीं कुछ कर नहीं पा रहा हूं, जब बाहर जाता हूं ना तो पुलिस वाले जब लाठियों के साथ खड़े रहते हैं ना, तो उनके आजू बाजू से भी कैमरा लेके निकलने में ना जो डर लगता है, जो अंदर दहशत फैली होती है, मैं बता नहीं सकता हूं। वैसे भी यार, फोन कैसे मैं कैमरे को लगाऊं अपने हेलमेट पे, वो यूट्यूब पे वीडियो देखा था मैंने जादूगरी करते हुए, मगर यार ना 1.5 लाख के फोन के साथ ऐसा, डेढ़ नहीं 1 लाख, कितना 1,10,000-15,000 का, चलो जो भी 1 लाख रुपए का फोन के साथ ना वो बकचोदी करते हो, मेरे को अच्छा नहीं लगता है। तो कोशिश करूंगा कि आने वाले आगे किसी व्लॉग में, ये लॉकडाउन जब तक चल रहा है तब तक आप लोगों को, देखो सिटी सिटी सुनाई पड़ रही है, 8:30 बजे भी सिटी बज रही है, उस दिन 12:30 बजे 2 बजे भी सिटी बजती है, सुबह 8 बजे भी बजती है सिटी। ओके, सो अपन बात करें थे लॉकडाउन की। वैसे मैं यहाँ इसलिए खड़ों के बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिंग लाइट लगाई हुई है, नहीं तो मैं इधर उधर टहलते रहता, पंछी बनू उड़ती फिरू मस्त गगन में करते रहता ना, बट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लाइट है यहाँ पे। तो बस पब्लिक, ये खत्म करने का फ्रेम है, 10 मिनट से जबरदस्ती की बकचोदी मैं कर रहा हूँ, कॉन्टेंट नाम की कोई ज्यादा चीज नहीं थी, मगर फिर भी मैंने अपनी लाइफ की कश्मकश आपको दिखा दी। आई नो कॉन्टेंट कुछ ऐसा नहीं चल पा रहा है, अच्छा नहीं हो पा रहा, मुझे भी मजा नहीं आ रहा कॉन्टेंट देख के। हाँ, कभी कभी कुछ कुछ स्लैंग्स मेरे अच्छे लगते हैं मेरे को, बट स्लैंग्स देखने थोड़े आते हो तुम, व्लॉग देखने आते हो, सीटी सुनने नहीं आते हो, और मेरा सीटी के ऊपर टिप्पणियां सुनने भी नहीं आते हो आप, ना ही मेरे ऊपर कोई हड़प्पा की खुदाई चल रही है उसको आप देखने आते हो। तो जो आप देखने आते हो यार, वो देख नहीं पा रहे हो, इट्स हार्ड टाइम, आई नो, वी विल गो थ्रू इट। बच्चे चिल्ला रहा बार, मन करता कभी कभी ऐसे कट्टा निकाल के हवाई फायर करो, अंदर आओ सालो, कोरोना फैला हुआ है। सबको यही बोलूंगा यार ब्लॉग खत्म करने से पहले, बॉस कोरोना इज अ डेडली डिजीज, मेरे फैमिली में 2 से 3 लोगों को हो चुका है, आई नो व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज वी आर गोइंग थ्रू, मैंने कभी बोला नहीं है कैमरे पे, बट दिस टाइम आई एम टेलिंग बिकॉज अब सब लोगों की थोड़ी सी सेहत कंट्रोल में आई है। बीच में तो ऐसा हो गया था दैट आई थॉट कि आई शुड लीव मुंबई एंड गो बैक टू दिल्ली एंड हेल्प देम आउट, बट देन अ कपल ऑफ समझदार पीपल टोल्ड मी कि यार वहाँ जाके भी करोगे क्या तुम, यू आर पुटिंग योर सेल्फ इन डेंजर, ऑलरेडी 2 to 3 पीपल आर इन डेंजर, सो डोंट डू इट। हो गया, आप सबसे यही कहूँगा, देखो सुबह जो कहा था, बैचलर्स अगर घर के आजू बाजू हैं उनसे बात कर लो, बहुत अच्छा लगेगा,
मेरे जैसा लड़का हो यार तो प्यार से ऐसे हाय बेटा कर दोगे तो मैं तो आ हा हा फैन हो गया मैं तेरा, मैं सो जाऊंगा। दूसरा, मास्क पहनना कभी मत भूलना और सैनिटाइजर ये सारी चीजें लेके चलो यार। मेरे हाथ पे आप लोगों ने कभी ध्यान दिया है कि नहीं, आई डोंट नो, टैटू वाला वीडियो देखा होगा तो ये देखो कुछ लिखा है, इसका मतलब है ये वक्त भी गुजर जाएगा। शायद यही सारी चीजें हैं जो मुझे बार बार मोटिवेट करती हैं कि वॉट एवर यू आर डूइंग कीप डूइंग इट, डोंट लेट इट गो। देख लो ना, पसीना आ रहा है, दिमाग खराब हो रहा है, डीमोटिवेट हो रहा हूं, मजा नहीं आ रहा है कॉन्टेंट बनाने में, फिर भी बना के डाल रहा हूं। सो जस्ट कीप डूइंग वॉट एवर यू आर डूइंग, समय जल्दी अच्छा हो जाएगा। इसी के साथ रुख्सत लेते हैं, मैं आपका बंदा घूम क्यों तू, मेरा नाम है शशांक, योर बॉय नेक्स्ट डोर। मिलते हैं किसी अगले व्लॉग में, दैट इज ऑन फ्राइडे। किस चीज का रिव्यू करूंगा मुझे नहीं पता, घंटा फर्क पड़ता भी नहीं है। इसी के साथ बेबी, और अरे वो बोलना तो भूल गए, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर लाइफ। जब देखो तब खर कुर काट कूट काट की डूज डा डू क्या है।